इमदाद मेरी रोज़े जज़ा कौन करेगा और ये काम मोहम्मद
मोहम्मद के सिवा कौन करेगा, इमदाद मेरी रोजे जदा कौन करेगा, ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा। हम खुद ही हैं जहरा की दुआओं का नतीजा, हम खुद ही हैं जहरा की दुआओं का नतीजा। अब इससे हंसी और दुआ कौन करेगा, अब इससे हंसी और दुआ कौन करेगा। यहाँ पे मजहब मिल्लत की कोई कैद नहीं। इमाम हुसैन की बारगाह ऐसी है कि जहाँ किसी कौम मिल्लत किसी मजहब की कोई कैद नहीं है। यहाँ पे मजहब मिल्लत की कोई कैद नहीं, हुसैन काबा नहीं करबला बनाते हैं। यहाँ पे मजहब मिल्लत की कोई कैद नहीं, हुसैन काबा नहीं करबला बनाते हैं। ये बस हुसैन का तुझ पे करम है कर को बना, ये बस हुसैन का तुझ पे करम है कर को बना। जो आज तेरी जियारत को लोग आते हैं, जो आज तेरी जियारत को लोग आते हैं। ये इमाम हुसैन के साथ जो आप रसूल अल्लाह की पुश्त पे तशरीफ फरमा लिया, आप नमाज पढ़ रहे हैं, इस नाते से है कि मशअले नूरे हिदायत की जलाने वाला, मशअले नूरे हिदायत की जलाने वाला, बच्चा बच्चा अबू तालिब के घर आने वाला। और तूल सजदे को दो अहमद से ये बोले जिब्रील, तूल सजदे को दो अहमद से ये बोले जिब्रील, पुश्त पे बैठा है सजदों को बचाने वाला, पुश्त पे बैठा है सजदों को बचाने वाला। और एक और इसी नाज से, सर है सजदे में नवासा पुश्त पे असवार है, सर है सजदे में नवासा पुश्त पे असवार है, हो ना हो इसमें रजाए इज्जत गफ्फार है। और वरना कोई इतना समझा दे हमें राहे खुदा, वरना कोई इतना समझा दे हमें राहे खुदा, उसको क्या मजबूरी जो उसको मजबूरी है क्या जो अहमद मुख्तार है, उसको मजबूरी है क्या जो अहमद मुख्तार है। इसमें माबूद की पहचान है सजदा तेरा, इसमें माबूद की पहचान है सजदा तेरा, जिस्म काबे के लिए जान है सजदा तेरा, जिस्म काबे के लिए जान है सजदा तेरा, और हर सदी के लिए ऐलान है सजदा तेरा। और जो ना उतरेगा, जो ना उतरेगा वो एहसान है सजदा तेरा। और जब भी दुनिया में इबादत का ख्याल आएगा, जब भी दुनिया में इबादत का ख्याल आएगा, हाँ तेरे आखिरी सजदे का ख्याल आएगा, हाँ तेरे आखिरी सजदे का ख्याल आएगा। और शब्बीर की महफिल का जो फर्श बिछाते हैं, शब्बीर की महफिल का जो फर्श बिछाते हैं, जहरा की दुआओं से वो घर को सजाते हैं, जहरा की दुआओं से वो घर को सजाते हैं। और जो हाजिरी करते हैं मौला की नियाबत में, जो हाजिरी करते हैं मौला की नियाबत में, मेहमान वो अपने घर जहरा को बुलाते हैं, मेहमान वो अपने घर जहरा को बुलाते हैं। गमे हुसैन के सबसे बड़े मकान में है, गमे हुसैन के सबसे बड़े मकान में है, ये एक छोटा सा आंसू जो अश्कदान में है, ये एक छोटा सा आंसू जो अश्कदान में है। हर एक कौम में है इसलिए आजादारी, हर एक कौम में है इसलिए आजादारी। गमे हुसैन का कुरान हर जबान में है, हर एक कौम में है इसलिए आजादारी, हर एक कौम में है इसलिए आजादारी। गमे हुसैन का कुरान हर जबान में है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन। तो हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी शख्सियत है, ये अगर आपने कराची में रहने वाले में गुरु मंदिर का नाम सुना हो तो ये गुरु मंदिर इनके वाले साहब का था, ये वहां के हैं कराची के, और ये इन्होंने 8 जबानों में ग्रंथ साहब का तर्जुमा किया, 8 लैंग्वेजेस में। और ये पूरी दुनिया में सफर करते हैं, जगह जगह जाते हैं। आज इनकी बड़ी मेहरबानी है कि हमारे बुलाने पे इस महफिल में आए हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं उन्हें दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाए और कुछ 2 अल्फाज हमारे लिए कम से कम अदा करें, और आपसे बहुत भरपूर तालियों के साथ इस्तकबाल करें आपको।
अवन अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजो। नूर तो एक ही है, ज्योत तो एक ही है ना, रोशनी तो एक ही है ना। अगर जब एक ही ज्योत से हम आप सब उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो फिर मैं कौन हूँ जो कहूँ तू बुरा है, तू मंदा है, तू भला है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। इसलिए उपदेश है, लोगा भरम न भूल। हाँ, भरम के अंदर भूल ना मत। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे। मिट्टी तो एक है, लेकिन कुम्हार क्या करता है, बांध बांध के भांडे, बांध बांध के बर्तन बनाता है। कोई बर्तन कहाँ चला जाता है, कोई बर्तन कहाँ चला जाता है। लोगा भरम न भूलो भाई, खालिक खलिक खलिक में खालिक पूर रहे वो सब था। माटी एक अनेक भक्त कर साजी साजन हारे, ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुमार। पोच माना नुक्स, ना नुक्स भांडे के अंदर है, ना नुक्स भांडा बनाने वाला खुदा के अंदर है। नुक्स नहीं है ये दृष्टि। अगर हमारी आत्मे की अब्रह्म दृष्टि, खुदा की दृष्टि अगर हमारे पास आ जावे। जब मैंने गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ लिखा था, अनुवाद किया था, तो मैंने वहां देखा करीबन खुदा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब खुदा, मैं समझता हूँ 23 बार आया है खुदा। माशाल्लाह। रहीम कई बार आया है, अल्लाह कई कई बार आया है शब्द, क्योंकि है वो एक ही। हाँ, नाम अनेक है। इसी दृष्टि से आज मुझे खुशी हुई, जोड़ी जी आए हुए हैं जिनके पास मैं हूँ, और ये प्यारे मिलते रहते हैं, कराची का जिक्र होता रहता है। और मुझे ये फख्र है, मैं हर 2 साल के पास पाकिस्तान जाता हूँ और उस गुरुमंदिर में जाके मत्था टेकता हूँ, और अपने माता पिता के अबू जो स्थान है वहाँ पर भी जाता हूँ। आज वही मुझे नज़ारा यहाँ पाकिस्तान वाला मिल रहा है, मुझे बेहद खुशी है। मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपने मुझे सदा पत्र दिया, मैं आया। इन प्यारों का भी आभार प्रकट करूँगा जो आपने मुझे कुछ कहा, क्योंकि ये इस वक्त प्रोग्राम में मुझे कहा गया था कि इसकी जेर सरपरस्ती और सदारत इमाम असर अलैहिस्सलाम की है इस प्रोग्राम में। तो मैं दर्शन सिंह महाराज जी के ही शेर से शुरू करता हूँ और तवज्जो चाहूंगा आपकी खुसूसी में, कि वो शहे मशरकैन आ जाए, वो शहे मशरकैन आ जाए, दिले मुस्तर को चैन आ जाए, दिले मुस्तर को चैन आ जाए, करता रहता है ये दुआ दर्शन यादगार हुसैन आ जाए। ये इंतहाई गैर मामूली कलाम है, अभी मैं मुस्तकिल पेश करता रहूंगा वक्तन फवक्तन। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा जोहरी कोहली साहब से को तशरीफ लाएं और नाते मकबूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें, जो कि दर्शन सिंह महाराज की लिखी हुई है। और ये किताब है जो महाराज दर्शन सिंह की है, ये दरख्वास्त करता हूँ रईस वारसी साहब से को तशरीफ लाएं और ये किताब तोहफतन वसूल करें। जैसा कि अभी रजा हसनैन साहब ने बताया कि संदर्शन सिंह जी महाराज पिछली सदी के महान सूफी संत हुए, मुझे खुश नसीबी मिली कि मैं उनके चरणों में काफ़ी साल रहा और इस मिशन को काफ़ी नज़दीक से देखा और काफ़ी सेवा करने का मौका मिला। उनकी रहमत थी
ये जो साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी जिसे कि सावन कृपाल रूहानी मिशन भी कहा जाता है, एक नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन रिलीजियस एंड नॉन डिनोमिनेशनल एक मिशन है जो कि हमें प्रेम, भाईचारे और विश्व में शांति और अमन रखने के लिए बताता है। ये कोई मजहबी जगह नहीं जहाँ किसी मजहब की बात होती है, यहाँ सिर्फ एक इंसान की बात होती है, एक अल्लाह ताला की बात होती है, एक खुदा की बात होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह होती है। मेरे जो हजूर परनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ये वो दरगाह है, हम अक्सर जगह देखते हैं, यूनिवर्सिटीज देखते हैं जहाँ डॉक्टर बनाए जाते हैं, जहाँ इंजीनियर बनाए जाते हैं, आर्किटेक्ट बनाए जाते हैं, आर्टिस्ट बनाए जाते हैं, मगर ये वो आस्थाना है, ये वो दरगाह है जहाँ पर इंसान बनाए जाते हैं। आपकी नजर एक ना संदर्शन सिंह जी महाराज की लिखी ना तू अरब के लिए था, ना तू अजम के लिए, ना तू अरब के लिए था, जमाने के चश्मनम के लिए ना तू अरब के लिए था, ना तू अजम के लिए, ना तू अरब के लिए था, ना तू अजम के लिए इकास्ती था, जमाने के चश्मनम के लिए, ना तू अरब के लिए तेरे नफस से है दुनिया दी में बेदारी, तेरे नफस से है दुनिया दी में बेदारी, बने हैं कौन मकान, बने हैं कौन मकान, एक तेरे दम के लिए, बने कौन मकान, एक तेरे दम के लिए, ना तू अरब के लिए था, ना तू अजम के लिए इकास्ती था, जमाने के चश्मनम के लिए,
बहुत अच्छे। तेरा करम है अमीरों गरीब पर तेरा करम है अमीरों गरीब पर तमाम कौमों की खातिर